हेलो एवरीवन एम एंड सी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल एम एंड सी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत टुडे वी आर गोइंग टू सी जे सीजीएल झारखंड जनरल नॉलेज चैप्टर वाइज जे सीजीएल झारखंड सामान्य ज्ञान अध्याय वार कलेक्शन ऑफ ट्वेंटी फाइव वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 25 बहुत उपयोगी प्रश्नों का संग्रह का सेट टू हम देखने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हसबेंडरी पार्ट टू कृषि एवं पशुपालन भाग दो यानी कि पहला भाग इसका ऑलरेडी आपको मिल गया है अगर आप लोगों में से किसी ने किसी कारणवश नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप जो है उसको झारखंड सामान्य ज्ञान के प्लेलिस्ट हमारा जो प्लेलिस्ट बने हुए हैं हमारे एम एंड सी एजुकेशन में के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ पर झारखंड सामान्य ज्ञान आपको मिलेगा झारखंड जीके झारखंड जनरल नॉलेज का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप जो है ये प्राप्त कर सकते हैं देख सकते हैं व्यू कर सकते हैं वॉच कर सकते हैं ठीक है आज का सेशन शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में कृषि से संबंधित बारी लैंड बारीलैंड भूमि की विशेषता नहीं है बारी लैंड की विशेषता नहीं है पूछ रहे हैं इस चीज को ध्यान से देखना है ऑप्शंस हैं या अधिक उपजाऊ होती है ये बिल्कुल सही है या खाद तथा सिंचाई की सुविधा से युक्त होती है ये भी सही है एक्चुअली ये घर के पास होते हैं तो जैसे मवेशियों के जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या हाउस होल्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो इन्हीं बारी में आ या तो फेंक दिया जाता है या फिर पास में एक गड्ढा बना करके रखा जाता है जिसे आ सही समय पर फिर उसमें छिड़क दिया जाता है बारी में तो ये बारी बहुत उपजाऊ हो जाता है इस हिसाब से तो यह अधिक उपजाऊ होती हैं या खाद एवं सिंचाई की सुविधा से युक्त होती हैं क्योंकि ये घर के पास होती हैं तो इसके पास कुआं भी अवेलेबल होता है और जो भी पानी का भी साधन रहता है घर का भी जो आ, नहाने वगैरह से जो भी पानी निकलता है आ, वो कपड़ा धोने वाला वो सब पानी से भी इसकी सिंचाई होती रहती है तो यहाँ पर ये यह खाद तथा सिंचाई से की सुविधा से युक्त होती हैं ये भी सही है इसमें भदई तथा गर्मा दोनों फसलें उगाई जाती हैं ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें दो तरह के फसल या फिर कहिए कि इसमें तो साग सब्जियां भी उगाई जाती हैं तो हर एक तरह की फसल उग उग जाती है इसमें और डी है इसमें सबसे अधिक धान की खेती होती है तो धान की खेती बिरले ही इसमें किया जाता है या कहिए कि नहीं किया जाता है क्योंकि बारी भूमि बहुत उपजाऊ होती है उसमें धान की खेती करने का कोई बेनिफिट नहीं है ठीक है तो इस तरह से इस वाले का पहले क्वेश्चन का जो सही आंसर है हमारे लिए क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा था तो ये है इसमें सबसे अधिक धान की खेती हो जाती है ये गलत हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में उपजने वाली प्रमुख भदई फसल है भदई फसल जो कि एक भादो मास होता है उसमें आ, उसकी कटाई की जाती है तो यहाँ पर जो है वो बुआई की जाती है तो उसमें जो है धान है मकई है मड़ुआ है तो ऑप्शंस ये तीनों ही सही हैं ये तीनों ही भदई फसल ही है मतलब धान है मकई है मड़ुआ है ये सभी की बुआई जो है भादो मास में ही किया जाता है बारिश के बरसात के दिनों में किया जाता है और कई बार इसको सितंबर अक्टूबर के महीने में काटा जाता है और जैसे धान वगैरह कई बार नवंबर दिसंबर के महीने में भी काटा जाता है मकई की तैयारी अक्टूबर तक हो जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने तक हो जाती है और मड़वा के साथ भी वही है अक्टूबर नवंबर तक इसकी तैयारी हो जाती है तो प्रमुख भदई फसल ये तीनों ही हैं धान मकई मड़वा ठीक है इनको भादो महीने में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में इनको काट लिया जाता है ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में उपजने वाली प्रमुख रबी फसल है क्वेश्चन नंबर थ्री है ऑप्शन है गेहूं जौ सरसों तीसी तिल रेंडी उपयुक्त सभी अगर आप गौर से देखें तो रबी फसल रबी फसल क्या है जो कि मार्च अप्रैल और मई कई बारी पर मोस्टली मार्च और अप्रैल के महीने में तैयार होता है तो गेहूँ जौ तो उसमें है ही सरसों तीसी भी उसमें है ही तिल रेंडी भी है ही तो उपर्युक्त सभी जो है ये रबी की फसलें हैं ठीक है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं झारखंड में उपजने वाली भदई फसल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है देखिए असत्य पूछा गया है आपको बहुत ध्यान से आ, देखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऑप्शन इनमें असत्य है ठीक है तो यहाँ पर जो है यह रांची तथा हजारीबाग की महत्वपूर्ण कृषि पैदावार है भदई फसल बिल्कुल सही है ये रांची और हजारीबाग की महत्वपूर्ण कृषि पैदावार है ये ऊंचे भाग में मकई मरुआ और सावा की खेती की जाती है ये भी सही है निचले भागों में भदई धान की मुख्य रूप से साठी अवस और गच्छर की खेती की जाती है ये भी सही है चौहत्तर प्रतिशत कृषि भाग में भदई की खेती की जाती है ये गलत है एक्चुअली लगभग साठ या कहिए कि अगर थोड़ा और प्रिसाइज हो जाए तो सिक्सटी टू परसेंट कृषि भाग में भदई की खेती की जाती है ठीक है तो इस तरह से इसका डी ऑप्शन जो है असत्य है तो हमारे लिए यही आंसर हो जाएगा क्योंकि उन्होंने असत्य ही पूछा है ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव पे जाते हैं झारखंड में भेड़ों की संख्या लगभग कुल कितनी है भेड़ों की संख्या पूछ रहे हैं तो भेड़ों की संख्या यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं छः लाख अस्सी हज़ार चार लाख पचास हजार तीन लाख छब्बीस हजार एक लाख तेईस हजार चार सौ छप्पन ठीक है तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है छ लाख अस्सी हजार मतलब भेड़ों की कुल संख्या जो है ये छः लाख अस्सी हज़ार के करीब है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं झारखंड राज्य में सर्वाधिक लगभग साठ प्रतिशत दुग्ध का उत्पादन किसके द्वारा होता है भैंस गाय बकरी इनमें से कोई नहीं तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भैंस भैंस के द्वारा जो है दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है ठीक है झारखंड राज्य में सर्वाधिक साठ प्रतिशत दुग्ध का उत्पादन भैंस के द्वारा होता है इस तरह से ए ऑप्शन इसका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन झारखंड में जलाशयों की कुल संख्या कितनी है जलाशयों की संख्या पूछ रहे हैं तो झारखंड में जलाशयों की संख्या जो है वो है तीन हजार तीन सौ दस तीन हजार तीन सौ दस कुल जलाशय झारखंड में उपलब्ध हैं झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि का कितने प्रतिशत भाग सुनिश्चित सिंचाई सुविधा संपन्न है बहुत ही कम है डेढ़ प्रतिशत वन पॉइंट फाइव प्रतिशत भाग जो है सिर्फ डेढ़ प्रतिशत भाग ही यहां पर सुनिश्चित सिंचाई सुविधा से संपन्न है ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन झारखंड की को कुल कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है झारखंड को कुल कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है तो कुल आठ कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है तो इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन झारखंड में कुल कृषि भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग में रबी फसल की खेती की जाती है यह थोड़ा कम प्रतिशत ही है ऐसे उन्होंने दिया है नाइन टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू थर्टी थर्टी वन टू थर्टी थ्री थर्टी फोर टू फिफ्टी तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो नाइन से बीस नौ से बीस प्रतिशत भाग पर रबी फसल की खेती की जाती है ठीक है तो बहुत ही कम है ये मतलब यहाँ पर एक फसली भूमि ज़्यादा है मतलब एक फसली भूमि कौन से हो गए जिस पर कि सिर्फ़ एक फसल ही उगाई जाती है पूरे साल में तो मोस्टली यहाँ पर धान की फसल है तो यहाँ पर लगभग सब जितने भी कृषि योग्य भूमि है उसके साठ बासठ प्रतिशत भाग पर धान की खेती की जाती है और वो एक फसली है मोस्टली उसमें से क्योंकि नाइन से बीस प्रतिशत यानि कि बयालीस प्रतिशत भूमि जो है एक फसली है कम्प्लीटली ठीक है क्वेश्चन नंबर इलेवन देखते हैं झारखंड में भदई किस फसल के प्रकार है भदई फसल जो है किस प्रकार के हैं अगर कह रहे हैं तो ये भदई नाम है तो इसको खरीफ खरीफ फसल भी कहा जाता है क्योंकि रब इसकी खरीफ का ही हो गया जो धान है वो खरीफ का ही है धान हो गया मक्का हो गया तो ये जो है खरीफ फसल का उदाहरण है झारखंड में भदई किस फसल के प्रकार हैं तो खरीफ फसल के प्र, प्रकार हैं कृषि शिक्षा के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया गया है ऑप्शन हैं जमशेदपुर रांची बोकारो धनबाद और इसका करेक्ट ऑप्शन है रांची रांची में है कृषि ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ठीक है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय आपको कहां मिलेगा तो रांची में मिलेगा रांची में इसको कृषि के शिक्षा के लिए स्थापित किया गया है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है किस प्रकार की फसल के अंतर्गत धान का सर्वप्रथम सर्व प्रमुख स्थान है किस प्रकार की फसल के अंतर्गत अभी हमने देखा कि आ, रबी तो नहीं है जायद भी नहीं है तो खरीफ खरीफ का ही एक प्रकार है ये तो खरीफ फसल का ही प्रमुख मतलब किस प्रकार की फसल के अंतर्गत धान का सर्वप्रमुख स्थान है तो खरीफ फसल के अंतर्गत धान का महत्वपूर्ण स्थान है फोर्टींथ किस प्रकार की फसल के अंतर्गत हरी सब्जियों का सर्वप्रमुख स्थान है हरी सब्जियां कब उगाई जाती हैं ज्यादातर कब उगाई जाती हैं ये पूछ रहे हैं तो एक्चुअली जायद जायद की जो आ, फसल होती है उसमें सब्जियों की अधिकता होती है ठीक है तो किस प्रकार की फसल के अंतर्गत हरी सब्जियों का सर्वप्रमुख स्थान है तो जायद सी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं निम्न में से कौन सी फसल सबसे कम समय में तैयार होती है तो सबसे कम समय में तैयार होने वाली फसल झारखंड में कौन सी है मड़ुआ जौ सरसों बाजरा तो ये इसका जो सही ऑप्शन है वो है मड़ुआ मड़वा जो है बहुत ही जल्द तैयार होने वाली फसल है ठीक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए. एक्शन क्वेश्चन है झारखंड में सबसे ज्यादा पशुधन किस जिले में पाया जाता है पशुधन मतलब मवेशी गाय भैंस भेड़ बकरी ये सभी पशुधन झारखंड में सबसे ज्यादा पशुधन किस जिले में पाया जाता है पलामू सिमडेगा गुमला रांची तो इसमें रांची सर्वप्रथम स्थान पर है तो रांची हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा झारखंड में सबसे ज्यादा पशुधन के मामले में टॉप जो जिला है वो है रांची क्वेश्चन नंबर सेवनटीन झारखंड में दलहन तिलहन का सर, सर्वाधिक उत्पादन राज्य के किस प्रमंडल में होता है झारखंड में सबसे ज्यादा ये पिछला वाला आगे है झारखंड में दलहन का दलहन और तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन राज्य के किस परमंडल में होता है तो परमंडल वाइज अगर हम चलें तो इसका जो है ऑप्शंस दिया वह पलामू संथाल परगना उत्तरी छोटा नागपुर दक्षिणी छोटा नागपुर तो इसमें जो है उत्तरी छोटा नागपुर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर होगा ठीक है उत्तरी छोटा नागपुर में दलहन और तिलहन का सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है उत्तरी छोटा नागपुर में झारखंड में मत्स्य पालन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है क्वेश्चन नंबर एटीन देखिए झारखंड में मत्स्य पालन अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है बोकारो साहेबगंज रांची दुमका इसका करेक्ट ऑप्शन है रांची तो इस तरह से आपने देखा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय भी रांची में है और मत्स्य पालन अनुसंधान केंद्र भी रांची में ही है ठीक है तो आपको ध्यान रखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखते हैं झारखंड में निम्न में कहा सुअर पालन केंद्र है जहां मार्कशायर नस्ल के सुअर का पालन किया जाता है यह मार्कशायर नस्ल जो है यह विदेशी नस्ल है एज ने नाम से ही पता चल रहा है तो मार्कशायर नस्ल की सुअर का पालन कहां किया जाता है ऑप्शन है गैरिया कर्मा काके होटवार उपरोक्त सभी तो इसका जो सही आंसर है एक्चुअली गरियाकर्मा में भी होता है गौरियाकर्मा कांके और होटवार इन तीनों जगहों पे सुअर पालन केंद्र है तो इस तरह से ये उपरोक्त सभी इसके आंसर इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर है इसका उपरोक्त सभी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है जौ का सर्वाधिक मतलब बारली का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है पलामू सिमडेगा चाईबासा रांची और इसका करेक्ट ऑप्शन है पलामू पलामू में सर्वाधिक उत्पादन होता है जौ का ठीक है पलामू और भी जैसे पलामू में तिल तिल जो आ, सीसम कहते हैं तो उनका भी वहां पर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है जीवनदायी व्यवसायी निर्यात प्रधान उपरोक्त में से कोई नहीं तो अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है जीवनदायी ही है कि किसी तरह से काम चल जाए ठीक है ना तो ये काम चलाओ वाली व्यवस्था है यहाँ पर यह व्यवसायिक नहीं है निर्यात प्रधान नहीं है और इस तरह से जीवनदायी है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू खल्लू कृषि किस राज्य की, की स्थानीय कृषि का नाम है ये हमने सेट वन में भी देखा था ये क्वेश्चन कि झारखंड के स्थानीय कृषि का नाम क्या है तो खल्लू कृषि है तो खल्लू कृषि किस राज्य की स्थानीय कृषि का नाम है तो आपको ऑप्शन में ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी झारखंड झारखंड में जो स्थानीय कृषि है लोकल एग्रीकल्चर है उसका नाम खल्लू कृषि कहते हैं ठीक है झारखंड में चने का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है चने का उत्पादन देखिए किस जिले में सर्वाधिक होता है रांची हजारीबाग गढ़वा पलामू फिर से पलामू इसमें इसका सही आंसर होगा तो पलामू में चने का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है जौ का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है ठीक है तो पलामू राज्य एक तरह से कृषि प्रधान पलामू जिला राज्य का पलामू जिला जो है वो एक तरह से कृषि प्रधान टाइप हो गया वहां पर कृषि ज्यादा है और बाकी जिलों के मुकाबले ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर्थ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी फसल गरीबों के भोजन के रूप में इस्तेमाल होती है कौन सी फसल गरीबों के भोजन के रूप में इस्तेमाल होती है जौ रागी ज्वार बाजरा तो जो गरीबों का भोजन गरीबों के भोजन के रूप में इस्तेमाल होने वाला है वो है ज्वार तो ज्वार का इस्तेमाल करते हैं वो ठीक है क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है किस फसल को बैसाखी फसल भी कहा जाता है बैसाखी बैसाखी फसल जो कि बैसाखी के समय में यानी कि अप्रैल के माह में जिसको जिसकी कटाई होती है जो हार्वेस्ट किया जाता है अप्रैल के महीने में तो वो कौन सा है गर्मा है जायद है खरीफ है रबी है तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रबी रबी की जो फ़सल है जिसमें कि सरसों है तीसी है या गेहूँ भी है जौ है चना है ये सभी जो है रबी की फ़सल में आते हैं और ये जो है बैसाखी फसल भी कहे जाते हैं क्योंकि इनकी कटाई जो है बैसाख माह में जो अप्रैल और मई के महीने में, में पड़ता है उसमें की जाती है झारखंड में तो इसलिए इनको बैसाखी फसल भी कहा जाता है जबकि आपको अभी पत, बताया गया था कि खरीफ फसल को यहाँ पर भदई फसल भी कहा जाता है और स्थानीय कृषि को यहाँ पर खल्लू कृषि के नाम से जाना जाता है झारखंड में कृषि का स्वरूप जीवनदायी है और जौ और चने के उत्पादन के मामले में झारखंड का सबसे जो आ, प्रथम जिला है वो है पलामू और मत्स्य पालन अभी वो जो मत्स्य पालन अभ, आ, जो मत्स्य पालन के लिए जो अनुसंधान केंद्र है वो रांची में और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय भी रांची में अवस्थित है तो आज का सेशन आपको बहुत ही फ्रूटफुल लगा होगा और इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे या आप देखेंगे कि आपको जो है ये क्वेश्चंस कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं इन द रिसेंट पास्ट जे और जे में पूछे गए आ, हैं ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ऐसे क्वेश्चंस के पूछने के पोटेंशियल ज़्यादा हैं तो आई होप यू ऑल विल फाइंड दिस सेशन वेरी फ्रूटफुल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आपको अब जो है अगला जो टॉपिक मिलना है वो है प्राचीन झारखंड से तो उसके 25 फाइव क्वेश्चन लेकर मैं अगले सेट में आपके सामने में फिर से प्रस्तुत होऊंगा तब तक के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद थैंक्स अ लॉट इन्जॉय योर